मायावती की नज़र तो सिर्फ पैसों पर है, दलितों के लिए तो कभी कुछ सोचा ही नहीं। ये शब्द कहे आरपीआई पार्टी की उपाध्यक्ष लता रानी सहरावत ने, जहां आगरा के एक होटल प्रेस वार्ता रखी थी और जहां पर कार्य सम्मेलन भी था, कार्यकर्ताओं से मुलाकात थी और 2022 के चुनाव को लेकर तैयारी भी शुरू कर दी। पार्टी ने बताया कि आने वाले समय में पार्टी चुनाव में अपने प्रत्याशी को भी उतारेगी, जो सपना काशी राम जी का है उसे पूरा करेगी, क्योंकि बसपा ने वो सपना अभी तक पूरा नहीं किया। मायावती सिर्फ दलितों के नाम पर वोट बैंक करती हैं, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं सोचती। आज पार्टी द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को दिया गया और बताया गया कि किस तरीके से रणनीति तैयार करनी है। अजीत गौतम, आरपीआई वरिष्ठ नेता। इस तरह का आज यहाँ आज जो आरपीआई की तरफ से आयोजन किया गया है, आरपीआई का जनाधार बढ़ाया जाए, जो बसपा को बसपा का गढ़ माना जाता है। ये लोग कहते हैं कि बसपा से यहाँ का जाटव बना हुआ है या दलित बना हुआ है, एक बसपा को ये चीज़ दिखाने के लिए आरपीआई के बैनर तले, आरपीआई के झंडा के नीचे ये कार्यक्रम करे जा रहे हैं, जिससे कि बसपा का जो किला बना हुआ है, जो किला बताया जाता है, जो बसपा का किला बताया जाता है, उस किले को ध्वस्त करने के लिए ये आरपीआई आज एक नया स्तंभ बनकर उभरी है। ठीक है, आरपीआई संगठन सचिव आरपीआई ये आज जो आगरा के अंदर एक बैठक रखी है, अभी दो तीन महीने में कई बैठकें हो चुकी हैं। हमारा इस टाइम जो बैठक रखने का प्रोग्राम चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में तेजी से, वो पार्टी को बढ़ाने का, जनाधार बढ़ाने का, वोटिंग बढ़ाने का। अभी आने वाले 2022 में विधानसभा के चुनाव में, जैसे हम अभी महाराष्ट्र में और भी स्टेट में चुनाव है, चार स्टेटों में, तो आने वाले जो उत्तर प्रदेश में चुनाव आएंगे तो उसमें हम 25-30 सीटों की मांग रखेंगे। अगर बीजेपी हमको 25-30 सीटें देती है तो हमारे जरूर जो है प्रत्याशी जीत के आएंगे और हम सत्ता में उत्तर प्रदेश में भी हमारे लोग विधायक होंगे, मंत्री होंगे आने वाले 2022 के सरकार में। तो हमारा पहले चुनाव नहीं लड़ेगी पार्टी, अपने बलबूते पे लड़ेंगे नहीं, बलबूते पे जब लड़ेंगे, जब वो हमको पार्टियां न देंगे, सीट नहीं देंगे, सीट नहीं छोड़ेंगे, तो अपना बलबूते पे लड़ेंगे। लेकिन हमारा जो लगातार बैठेंगे हो रही हैं आगरा में, मेरठ में, अलीगढ़ में, कहीं भी हो रही है उत्तर प्रदेश में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लगातार बराबर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो है अपना जनाधार बढ़ाने के लिए, क्योंकि बीएसपी कमजोर हो रही है और आरपीआई का जनाधार बढ़ रहा है। किससे गठबंधन रहेगा आपका? हमारा साहब अभी तक बीजेपी से है और आगे भी बीजेपी से रहेगा, ये हमारी सोच है। पार्टी का हमारी का अगर आप बढ़े, कार्यकर्ता सम्मेलन और हमारा नारा जाति तोड़ो समाज जोड़ो, कोई सताए हमें बताए, उसी संदर्भ में आए हैं ताकि लोगों की समस्याएं भी सुनी जाए, उनके बीच में आए, उनके हालचाल पूछे जाए और पार्टी का ग्राफ बढ़ाया जाए। हाँ, 2022 आ रही है, चुनाव आ रहा है, तो देखते हैं चुनाव में भी, मैदान में भी उतारेंगे। जी, चुनाव में प्रत्याशी उतारेगी 2022? हाँ बिल्कुल, प्रत्याशी उतारेंगे, बाकी और मंत्री जी का जो आदेश होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो आदेश होगा वो करेंगे। बसपा के सामने कैसे अपने आप को जो उतारेंगे? मैं आप लोगों को बता दूं, मैं 2009 में बीएसपी छोड़ के आई थी और मैंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ज्वाइन की। 2009 में मैंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था फरीदाबाद से। बीएसपी को तो हम एक मिशन के तौर पे लेके चलते थे, काशीराम ने जिस जो सोच के बीएसपी को आगे बढ़ाया था समाज के हित के लिए, जनता के हित के लिए, वो तो मिशन बीएसपी के अंदर अब नहीं रहा है। लालच बुरी बला। अब वो जो भावना थी कि हम देश की जनता को ऊपर उठाएंगे, उनके दुख दूर करेंगे, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएंगे, वो मिशन अब जो ताक पे रख के जा, लालच जो है ना वो सबसे आगे आ गया है, इस वजह से जो है बीएसपी डाउन हो गई है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।